नमस्ते दोस्तों, मैं सुजय मिस्त्री आप सब लोगों को आपके अपने ही चैनल एस जी ड्रीम टीम पर फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस बारे में बताने जा रहा हूँ वो है सी मगल लायंस और एच हुगली टाइगर्स के बीच जो दूसरा कर्नाटका प्रीमियर लीग का मैच होने जा रहा है, उस मैच को मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ और आपको अच्छे से अच्छे बेस्ट टीम प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जिससे आप कल ज़रूर जीतेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़े एक चीज़ में आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इनक्रेज करिए कि आप लोगों के लिए मैं और अच्छा अच्छा वीडियो लाता रहूं और हर दिन इस चैनल पर आपको जिस बारे में मैं अच्छे नॉलेज मिले मुझे उस टीम का मैं ज़रूर जिक्र इस चैनल पर करूँगा और हर रोज़ में नए नए मैच के नए नए बेस्ट टीम को आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक करना और कुछ भी भूल त्रुटि निकले तो प्लीज़ मेरे चैनल के नीचे जो कमेंट सेक्शन वहाँ पर ज़रूर लिखना और आपको प्रॉफिट भी मिले तो भी लिखना, प्लीज़ इतना तो करना मेरे लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एस सी मगल लायंस वर्सेस जो हुगली टाइगर्स के बीच जो मैच होने जा रहे हैं, उस मैच का मैं यहाँ पर आंखों देखा आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। एन उलाल बहुत ही अच्छे विकेट कीपर है जो सी मगल लायंस की तरफ से खेलेंगे। थोड़े नीचे बैटिंग करते हैं, दो या तीन नंबर पे ज़रूर आएंगे, लेकिन एम विश्वनाथन ये जो हुगली टाइगर्स के लिए जो विकेट कीपिंग करते हैं ये ज़रूर कल खेलेंगे और ये ओपन करेंगे और बहुत अच्छे हिटिंग बैट्समैन हैं तो इनको लेना तो बनता ही है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे पॉइंट आपको दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हिटिंग करते हैं स्टार्टिंग पे और बहुत अच्छे फॉर्म में भी हाल ही में, तो इसीलिए मैं इनको लेना हूँ। तो चलिए बैट्समैन में जाते हैं। मोहम्मद बहुत ही अच्छे 9.5 क्रेडिट के हैं, इन क्रेडिट में मत चाहिए, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं तो इस बारे में तो मैं क्लियर हूँ कि इनको तो लेना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर ए हुसाला सी मगल लायंस के लिए बहुत ही अच्छे बेस्ट बैटिंग करते हैं, सी मगल लायंस की तरफ से सबसे ज़्यादा सबसे सीनियर प्लेयर सबसे ज़्यादा अच्छे बैटिंग करने वाले प्लेयर है, ये दोनों बहुत ही की होने वाली है कल के मैच के लिए। तो चलिए उसके बाद मैं और एक बैट्समैन को यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ, नहीं एम नीतीश तो ये बहुत ही बेहतरीन और स्टार्ट थोड़ा यंग है लेकिन बहुत ही बेहतरीन बैटिंग के फॉर्म में अभी चल रहे हैं और आप अगर लेना चाहे किसी को भी ऑर्डर करके तो के रोहित को भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे फॉर्म में अभी चल रहा है, लेकिन मुझे अभी इनको नहीं लेना है क्योंकि मेरे हिसाब से दूसरी माइंडसेट है मेरा कि मुझे तीन ऑलराउंडर भी लेना है क्योंकि वहाँ पर उस सेक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर पड़े हुए हैं। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो आपके लिए यहाँ पर पी देशपांडे सबसे ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर जो प्लेइंग प्लेयर है ये हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छे अभी बैटिंग के फॉर्म में भी है और बॉलिंग के फॉर्म में भी है, तो चलिए इनको तो लेना पड़ेगा। ये टॉप पिकिंग्स है और एक कैजुअल पिकिंग्स है। और विनय कुमार बहुत ही अच्छे प्लेयर है, आप तो जानते ही, इंडिया की तरफ से खेलते भी है, पहले खेलते थे, तो ये बहुत ही सीनियर बॉलर है और इनके पास सब तरीके की वेराइटीज़ बॉलिंग में अभी मौजूद है तो इस टाइप के लीग में बहुत सफल रहते हैं। और पी दुबे अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, मिड सेक्शन पर अच्छे बॉलिंग कर लेते हैं और विकेट भी क्रूशियल विकेट भी दिलाते रहते हैं अपनी टीम के लिए और बैटिंग में भी अच्छा खासा खेल लेते हैं। तो चलिए बॉलिंग सेक्शन पर चलते हैं। बॉलिंग सेक्शन पर मेरे हिसाब से अभिमन्यु मिठुन तो है ही, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा रिबैक चल के कि यहाँ पर जो के सृजीत हैं और पी गंगाधर, ये दोनों का खेलने का चांसेस उतना ज़्यादा नहीं है तो मेरे हिसाब से इनको थोड़ा बच के लीजिए। और फावेन उतना चांसेस तो है नहीं, एसपी मंजून इनका चांसेस हो सकता है लेकिन नीचे की तरफ उतना प्लेयर नहीं खेलेंगे, लेकिन के रोहित आपको ले बोला था और के सृजीत ये दोनों बहुत अच्छे, लेकिन बहुत ही अच्छा प्लेयर है के रोहित, लेकिन मेरे हिसाब से मैं एम नीतीश को लूँगा और बलाल भी अच्छे ही हैं। तो चलिए ऑलराउंडर सेक्शन पे तो तीन लिए ही है, तो बॉलिंग में ये अभिमन्यु मिठुन
मेरे हिसाब से सिंपल एंड सिक्योर प्लेयर है। और आप तो जानते ही है कि ये भी इंडिया की तरफ से खेलते थे, बहुत 4-5 6-7 साल पहले इंडिया की तरफ से टेस्ट में डेब्यू भी किए थे, थोड़ा अच्छे फॉर्म में भी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर आ गए तो उनको नहीं लिया गया, लेकिन इनका लाइन लेंथ बहुत अच्छे है और इस टाइप के मैचेस में वो थोड़ा कंसिस्टेंटली बॉलिंग करते हैं और अच्छे कंसिस्टेंट तरीके से विकेट भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर का जो बैट्समैन है उतना ज़्यादा भरोसेमंद नहीं रहते, तो यहाँ पर डेथ बॉलिंग में वो बहुत ही अच्छे बॉलिंग करके विकेट 2-4 एक साथ ले सकते हैं। और टी प्रदीप यहाँ पर बहुत ही अच्छे पिकिंग सबके लिए, टी प्रदीप को आप ले सकते हैं, लेकिन मैं एम पटेल को मैं यहाँ पर लूँगा, क्योंकि इस टी हुगली टाइगर्स की तरफ से ये सबसे ज़्यादा अच्छे बॉलर रहते हैं। तो टी प्रदीप और अगर अभिमन्यु मिठुन को मैंने ले लिया तो दोनों ही सिमा से एसएल की तरफ से हो जाएगा, लेकिन मुझे और एक भी बॉलर लेना पड़ेगा जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट है, के होसाला को तो लेना ही पड़ेगा, तब जाके आप अभिमन्यु मिठुन को भी लेते हैं तो एम पटेल को भी लेते हैं, तो क्रिकेट के हिसाब से आप यहाँ पर टी प्रदीप को नहीं ले सकते, तो इसीलिए मैं टी प्रदीप को छोड़ के अभिमन्यु मिठुन को ले रहा हूँ। अगर आप टी प्रदीप को लेना चाहते हैं तो अभिमन्यु मिठुन को छोड़ के टी प्रदीप को लेना पड़ेगा, और एम पटेल तो अच्छे बॉलर है ही, तो इनके तरफ से तो एक को लेना पड़ेगा। तो चलिए टीम का प्रीव्यू करते हैं, तो एन हुलाल और एम विश्वनाथन दो विकेट कीपर जरूर लेना पड़ेगा, ये होसाला एन निधि और मोहम्मद इन तीनों बैट्समैन के साथ हम जाएंगे। पी देश पांडे, विनय कुमार, प्रदीप दुबे, सॉरी पी दुबे, इन तीनों को तो लेना पड़ेगा ही, ये बहुत ही अच्छे अभी ऑलराउंडर सेक्शन में बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, अभी मैंने तो सीनियर बॉलर है, और यहाँ पर भगवान विनय कुमार भी अच्छे सीनियर प्लेयर रहे हैं इंडिया के लिए, ये दोनों को तो लेना पड़ेगा। और के होसाला और ए होसाला ये दोनों बहुत ही अच्छे सिमंग टाइगर के तरफ से सिमंग लायन एसएल की तरफ से खेल रहे, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, और एम पटेल बहुत ही अच्छा प्लेयर है, तो मेरे तरफ से तो इनको लिया मैंने लिए है मेरे टीम पे, और कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू के बाद जो कैप्टन के सेक्शन आएंगे तो वो चीज़ में ए होसाला नहीं, मेरे हिसाब से कैप्टन अब पी देश पांडे को करिए, बहुत ही अच्छे बैटिंग भी करते हैं, अभी बहुत अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं और कुशल विकेट्स भी लेके देते हैं, तो अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं इस तरीके की बॉलर को, ये बैट्समैन और बॉलर दोनों ही है वो, तो उनको ले कैप्टन करना अच्छा रहेगा आपके लिए, और मेरे हिसाब से ए होसाला को आप वाइस कैप्टन कर सकते हैं। तो यही था मेरा टीम, तो एक बात मैं कह देता हूँ कि आप अगर मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका थोड़ा ही समय बर्बाद होगा, लेकिन आप पूरा देखेंगे तो मेरे अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ लोग व्यू कर रहे हैं तो मुझे भी बनाना चाहिए, मेरे टीम अच्छे काम कर रहे हैं, मेरे टीम तो अच्छे काम कर रहे हैं, 4-5 जो मैच का मैं टीम आपको बना के दिया हूँ, तो अभी वो एशेज का और श्रीलंका और वर्सेस न्यूजीलैंड का तो मैच चल रहा है, उसमें भी बहुत ही अच्छे से रन कर रहा है मेरा टीम, तो बहुत ही अच्छा मैचेस जा रहा है अभी, तो एक आधा मैच में तो सबको ही प्रॉब्लम होती है, ये तो किसी के लक के ऊपर ही है, कभी कोई अच्छा बैट्समैन आप मान लेते हैं कि बहुत ही अच्छे प्लेयर है, हर मैच में सेंचुरी लगा रहा है, लेकिन फिर भी वो तो फ्लॉप हो सकता है, तो इससे तो कोई नहीं बच सकता, लेकिन लॉजिक से मैं टीम क्रिएट करता हूँ, लक पे नहीं, तो मेरे टीम को आप देख के अगर जाए तो लॉस में नहीं रहेंगे, ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो आज नहीं मिला तो कल ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप आज प्रॉफिट नहीं कर सके तो लॉस में भी नहीं जाएंगे, वापस आएंगे उसको लेके, आपका डिपॉजिट को आप विथड्रॉ ज़रूर करेंगे मैच खेल के। तो चलिए इससे साथ आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय।